हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी भाषा शिक्षण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम श्रवण कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करना शेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम श्रवण कौशल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले श्रवण कौशल के अर्थ को समझेंगे, उसके बाद महत्व को देखेंगे, फिर श्रवण कौशल के उद्देश्यों को समझेंगे, उसके बाद एक अच्छे श्रोता के क्या क्या गुण होते हैं उनको भी देखेंगे, और अंत में श्रवण शिक्षण की विधियों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले श्रवण के अर्थ को समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है, और भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक और लिखित। और मौखिक रूप का प्रयोग करने के लिए मनुष्य सुनने व बोलने की क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि जब तक सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं, समझ नहीं आएगा क्या बोलना है। और लिखित रूप का प्रयोग पढ़ने व लिखने के लिए करता है। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। लेकिन श्रवण ध्वनियों को सुनना मात्र नहीं है, सुनने में समझने का होना आवश्यक है। श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी गई बातों पर चिंतन मनन करने और चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करना आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती है। और श्रवण भाषा सीखने का प्रथम चरण है। सबसे पहले बच्चा बड़ों को बोलते हुए देखता है, उन्हें सुनता है, और उसके बाद ही अनुकरण करके सीखता है। और श्रवण कौशल ही चारों भाषाई कौशलों में सबसे पहला कौशल है। तो चलिए देखते हैं चार कौशल कौन कौन से हैं। सबसे पहले श्रवण कौशल, दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल। तो ये हैं हिंदी भाषा शिक्षण के चार कौशल। तो अभी हमने श्रवण कौशल के अर्थ को समझा। श्रवण कौशल का अर्थ होता है सुनना, लेकिन सुनने के साथ साथ अर्थ को ग्रहण करना, जो हमने ध्वनि सुनी है उसके अर्थ को ग्रहण करना, उस पर चिंतन मनन करना और सुनी गई बात पर अपना मंतव्य स्थापित करना, यही श्रवण कौशल कहलाता है। और श्रवण कौशल को अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार बताया जाता है, क्योंकि किसी बात को सुनकर ही व्यक्ति मानसिक या शारीरिक क्रियाएं करता है। और अगर किसी व्यक्ति में श्रवण दोष है तो उसके सीखने में वह बाधक होगा। और आपने भी देखा होगा कि जिन बच्चों में श्रवण दोष पाए जाते हैं उन्हें बोलने में भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे। और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बच्चे बचपन में ही श्रवण दोष पाए जाते हैं तो वह गूंगे भी रह जाते हैं। तो चलिए अब श्रवण कौशल के महत्व को समझते हैं। लेकिन महत्व को समझने से पहले संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, वो कुछ इस प्रकार, श्रोतम श्रुतेनैव नातु कुंडलिन, जिसका अर्थ है कानों की शोभा अच्छी बातें सुनने से होती है, ना कि कुंडल या कीमती आभूषण पहनने से। और श्रवण कौशल को अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी बात को सुनेगा नहीं तो उसे अभिव्यक्त कैसे करेगा। और एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, क्योंकि जो शांत रहकर दूसरों की बात सुनते हैं वे ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं दूसरों के सामने और ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई निरक्षर व्यक्ति है तो वह भी श्रवण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और एक
अच्छे शिक्षक को हमेशा अपने शिक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ से ही छात्रों में श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये थे श्रवण कौशल के कुछ महत्व। तो चलिए अब श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्यों को देखते हैं कि श्रवण कौशल शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है व्यक्ति में मनोयोग से सुनने की योग्यता का विकास करना, कि व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, ऐसी क्षमता व्यक्ति में विकसित करना। दूसरा उद्देश्य श्रुत सामग्री के अर्थ को समझना, कि जो बात बोली जा रही है उसके अर्थ को समझना। तीसरा उद्देश्य सुनी हुई बात के संबंध में शंका प्रकट करना या प्रश्न पूछ सकना, कि जो बात हमसे कही जा रही है उसके बारे में अपनी शंका प्रकट करना या जो कही गई बात है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकना, व्यक्ति में ऐसी क्षमता विकसित करना। चौथा उद्देश्य शुद्ध और अशुद्ध उच्चारण में भेद कर सकना, कि जो वाक्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध, उसके उच्चारण में भेद कर पाना। पांचवा उद्देश्य सारांश ग्रहण कर सकना, कि जो बात हमसे कही गई है उसके बारे में सही प्रतिक्रिया का चुनाव करना। तो ये कुछ श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य थे। तो अब एक अच्छे श्रोता के क्या क्या गुण होने चाहिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा सीखने का जो सही क्रम है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। सबसे पहले सुनता है बच्चा बातों को, उसके बाद धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर पढ़ता है लिखी हुई चीज़ों को, और उसके बाद लिखना सीखता है। बालक बड़ों को देखकर, सुनकर, उनके संपर्क में आने के कारण अनुकरण द्वारा सहज भाव से भाषा सीख जाता है। भाषा संपर्क, अनुकरण और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। और एक अच्छा श्रोता वही होता है जो दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, और एक अच्छा श्रोता बुद्धिमान होता है। तो चलिए एक अच्छे श्रोता के गुणों को देखते हैं। सबसे पहले एक अच्छा श्रोता हमेशा श्रवण के प्रति रुचि रखता है और वह वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। दूसरा गुण, एक अच्छा श्रोता वक्ता की बात सुनकर अनसुनी नहीं करता बल्कि ध्यानपूर्वक सुनता है, और ऐसा भी नहीं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से बातों को निकाल दे बल्कि उस बात को समझने का पूरा प्रयत्न करता है। तीसरा गुण, एक अच्छा श्रोता हमेशा वक्ता की बात सुनकर उसका सही अर्थ ग्रहण करने की क्षमता रखता है, कि जो बात वक्ता द्वारा कही जा रही है उसको ध्यानपूर्वक व सही प्रकार से उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता रखता है एक अच्छा श्रोता। चौथा गुण, एक अच्छा श्रोता हमेशा सुनी हुई बातों पर शंका प्रकट कर सकता है और उसके समाधान हेतु प्रश्न भी पूछता है। तो चलिए एक अच्छे श्रोता के पांचवें गुण को देखते हैं। एक अच्छा श्रोता हमेशा अच्छी बातों को ही सुनता है, बुरी बातों को नहीं। और एक अच्छा श्रोता गांधी जी के बंदर के सिद्धांतों का पालन करता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो ये थे एक अच्छे श्रोता के गुण। अब श्रवण शिक्षण की विधियों को देखते हैं। वैसे भाषा शिक्षण के लिए किसी भी विधि को अपनाया जाए उसमें श्रवण कौशल शिक्षण होता ही रहता है। जैसे अध्यापकों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों को सुनकर विद्यार्थी के श्रवण कौशल का विकास होता रहता है, और शिक्षण की प्रत्येक विधि जिसमें अध्यापक या अन्य कोई बोले और छात्र जिसे सुने श्रवण शिक्षण की विधि के अंतर्गत आती है। तो चलिए श्रवण शिक्षण की पहली विधि को देखते हैं। पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। जैसे शिक्षक शिक्षण के साथ साथ छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर
उनके श्रवण कौशल का विकास कर सकता है। जब शिक्षक कोई पाठ पढ़ा रहा हो या कोई सूचना दे रहा हो तो छात्रों से बीच में ही प्रश्न पूछकर यह देख सकता है कि बच्चे उनकी बातों को सुन भी रहे हैं या नहीं। और वैसे भी जब शिक्षार्थी को शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देना होता है तब वह प्रश्न को बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक सुनता है। इस प्रकार ध्यान से सुनना ही श्रवण कौशल है। और प्रश्नोत्तर विधि से पाठ में छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ेगी और प्रश्नोत्तर विधि से छात्रों के श्रवण कौशल में विकास भी होगा। तो चलिए अब दूसरी विधि को देखते हैं। दूसरी विधि है श्रुतलेख विधि। लेकिन श्रुतलेख को लेखन कौशल विकसित करने के साधन के रूप में देखा जाता है, परंतु श्रुतलेख की सहायता से बच्चों में श्रवण कौशल का विकास भी होता है। वो कैसे? श्रुतलेख में बच्चों को सुनकर लिखना होता है, लेकिन जो बच्चा ध्यान से सुनेगा वही ठीक प्रकार से लिख सकेगा। ध्यान से नहीं सुनने वाले बच्चों का या तो कुछ छूट जाएगा या वो कुछ गलत लिख देगा। इसलिए श्रुतलेख में छात्र ध्यान से सुनने के लिए बाध्य होता है। चलिए तो अब अगली विधि को देखते हैं। अगली विधि में आएगा भाषण। भाषण वैसे तो मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने की विधि है, लेकिन इसके माध्यम से श्रवण कौशल का भी विकास हो सकता है। वो किस प्रकार, वो देखते हैं। भाषण में कोई एक शिक्षक या शिक्षार्थी बोलता है और बाकी जो बच्चे हैं वो जो बात कही जा रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन श्रवण कौशल के विकास के लिए अगर भाषण से पहले बच्चों को यह बता दिया जाए कि भाषण के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक कही गई बातों को सुनेंगे और ऐसा करने से छात्र भाषण को अधिक ध्यान से सुनेंगे। तो इस प्रकार भाषण के द्वारा भी व्यक्ति में श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। तो चलिए अब अगली विधि को देखते हैं। अगली विधि वाद विवाद विधि। भाषण की तरह वाद विवाद भी श्रवण कौशल शिक्षण में उपयोगी विधि है। वो कैसे? कि वाद विवाद में भाग लेने वाले छात्रों को हर बात ध्यान से सुननी ही होगी, क्योंकि अगर बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी तो प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। अगर बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ना तो वे प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे और ना ही तर्क कर सकेंगे। इसलिए वाद विवाद विधि के द्वारा भी बालकों में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। और वाद विवाद की समाप्ति पर सभी छात्रों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जिससे ना केवल वाद विवाद में भाग लेने वाले छात्रों बल्कि सभी छात्रों के श्रवण कौशल का विकास हो सके। तो चलिए अगली विधि को देखते हैं। अगली विधि पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा भी बालकों में श्रवण कौशल विकास किया जा सकता है। वो कैसे? कि विद्यालय में विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ का आयोजन किया जाता है, इससे बालकों के श्रवण कौशल में विकास होता है। क्योंकि साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाषण वाद विवाद के अलावा नाटक मंचन, गीत, कविता, अंताक्षरी, समाचार वाचन आदि पर भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसके माध्यम से बालकों में श्रवण कौशल का विकास होता है। तो ये थी भाषा शिक्षण के कुछ विधियाँ। लेकिन विभिन्न विधियों का प्रयोग करते समय अध्यापक को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें अध्यापकों को अपना उच्चारण शुद्ध रखना चाहिए और अध्यापकों को उचित आरोह अवरोह बलागात स्वरागात आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो शिक्षकों के आदेश व निर्देश हैं वो भी स्पष्ट होने चाहिए और शब्दों और वाक्यों को घुमा फिराकर नहीं बल्कि शुद्ध रूप से प्रयोग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षकों को बालकों की मानसिक स्थिति के अनुरूप ही विधियों का चयन करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखकर एक शिक्षक
विभिन्न विधियों का प्रयोग करके छात्रों में श्रवण कौशल विकसित कर सकता है। तो दोस्तों, ये था श्रवण कौशल का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने श्रवण कौशल के अर्थ को, महत्व को, उद्देश्यों को और एक अच्छे श्रोता के क्या क्या गुण होते हैं और विभिन्न विभिन्न श्रवण शिक्षण की विधियों को देखा। और दोस्तों, हमें अपने सेकंड पार्ट में क्या क्या चीज़ और ऐड ऑन करनी चाहिए, इसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट करके बताएं कैसी लगी और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को शेयर। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।